चमेली में आशा कार्यकर्ताओं ने नौ सूत्री मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने किया विरोध प्रदर्शन। जब तक स्वास्थ्य मंत्री हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। नौवां दिन भी आशा कार्यकर्ता का रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। चमेली प्रखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चमेली के प्रांगण में तमाम आशा कर्मी एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा हड़ताल कर शुक्रवार को आशा कर्मी संघ व आशा फैसिलिटेटर संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। वहीं आशा कर्मियों ने अपने वेतन को लेकर सरकार से मांग करते हुए कहा कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए होनी चाहिए तथा आशा फैसिलिटेटर को 25,000 रुपए मानदेय दिया जाए। कोरोना काल में दी गई ड्यूटी के लिए सभी आशाओं तहसीलों को 10,000 भुगतान किया जाए एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चमेली के आशा कर्मियों को रहने हेतु एक कमरा सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में चल रही घुसखोरी चरम सीमा पर है तथा बदनामी हम सभी आशा कार्यकर्ताओं पर आती है, जिससे समाज में हमारी छवि धूमिल होती जाती है। इस पर सरकार व जिला पदाधिकारी के द्वारा रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व में घोषणा की थी कि आशाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि आशा और आशा फैसिलिटेटर सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे। आशाओं ने कहा कि विशेष कर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कर्मियों के द्वारा विरोध जताते हुए अपनी मांगों के समर्थन में खूब नारेबाजी की। आशा संघ के प्रखंड अध्यक्ष बबीता भारती ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार के दिन भी आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटरों की ज्वलंत मांगों को लेकर नवम दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा, जहां पर बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के सभी आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर संघ के पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को जानकारी दी। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अस्पताल का मुख्य द्वार को बंद कर विरोध प्रदर्शन करने लगे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं संघ के कोषाध्यक्ष रिंकी देवी ने बताया कि जिस तरह सरकार टीकाकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित स्वास्थ्य विभाग के पंचायत स्तर पर चलने वाले कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता को कार्य करवा रही है, वहीं मानदेय देने से इनकार कर रही है। वहीं संघ के मंत्री नीलम देवी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटर को सरकार एक निश्चित मानदेय तय करे, जिसे कि सही ढंग से भरण पोषण हो सके, जबकि इस तरह की घोषणा महागठबंधन के तहत से चुनाव संकल्प पत्र में जारी किया गया था, लेकिन सरकार के बनने के बाद इस ओर किसी की मांग को पूरी नहीं किया गया है। आशा रीता कुमारी ने कहा कि सरकार के सामने आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मासिक प्रोत्साहित राशि, कोरोना काल में ड्यूटी किए गए सभी आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 भुगतान दें। उन्होंने आगे कहा कि पोषाक के साथ सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा एवं आशा फैसिलिटेटर को भी मानदेय एवं भत्ता समय पर दिए जाएं। वहीं आशा प्रखंड अध्यक्ष बबीता भारती, प्रखंड मंत्री नीलम देवी, कोषाध्यक्ष रिंकी देवी, किरण देवी, कुमारी नीलम, नीलू कुमारी, वीणा देवी, रंजू देवी, पुष्पा देवी, बेबी देवी, मंजू देवी, मिनी खातून, पार्वती देवी, गीता देवी, पूनम, प्रीतम, प्रमिला कुमारी, मनीषा देवी, सुमित्रा देवी, निभा कुमारी, उर्मिला देवी, सुलेखा देवी, देवंती देवी, पूजा कुमारी, रुक्मणी देवी, गीता देवी, राखी देवी, चंदा देवी, अनुशीला देवी, बुलबुल कुमारी, इंदु देवी, रिंकू देवी, पूनम देवी, अनिता कुमारी, चंपकला कुमारी, अलका देवी, नूतन कुमारी आदि सहित दर्जनों आशा कर्मी मौके पर उपस्थित रहे। बोलिए धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या मामला है? हम लोगों का नौ सूत्रीय मांगों पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। कहाँ पे? चमेली प्रखंड के अपने पीएससी में। हाँ। हम चमेली प्रखंड की आशा और पीएससी मेरा चमेली है, वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। नौ सूत्रीय मांगों का मांग है सरकार से, इसलिए कि हम लोग दिन रात, दोपहर शाम रात दोपहर, कुछ आंधी पानी कुछ नहीं समझते हैं, तब भी हम लोग को एक कॉल पर आना पड़ता है। और यहाँ पर जो भी कहते हैं प्रभारी सर, चाहे जो भी ऑर्डर करते हैं, यहाँ से हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग इतना करते हुए भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। समेली में कितना आशा है? हम 86 आशा है, 86 आशा को
कोई वैल्यू ही नहीं है, ना बैठने का ना रहने का, सभी कर्मचारी को जगह, लेकिन आशा को एक तो रूम नहीं है, बैठक नहीं है। कब से धरना पे हैं, कब तक रहेंगे? 12 तारीख से हम लोग शुरू किए हैं, अनिश्चितकालीन धरना हम लोग का चल रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ? प्रमिला कुमारी। क्या आप सभी धरना प्रदर्शन किए हैं आशा कार्यकर्ता, क्या पूरा मामला है? सरकारी सेवा घुस गया और 1000 से बढ़ा के 10000 किया जाए और सरकारी सेवा घोषित करो। कहाँ के आप, कहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं? समेली प्रखंड में। समेली प्रखंड में और अनिश्चितकालीन हड़ताल 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल। क्या नाम हुआ? कुमारी बहिता। लोग मुरादपुर पंचायत की आशा है, प्रखंड समेली, समेली पीएससी से हम लोग हैं। धरना पर हम लोग धर रहे हैं, यहाँ पर रोज रोज करते हैं शाम सुबह, और हम लोग समय को नहीं देखते हैं। जिस समय 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, 1 बजे, 3 बजे अपने बाल बच्चा छोड़ करके पीएससी आते हैं डिलीवरी कराने के लिए, उसका कोई थे नहीं, गिनती नहीं, कोई पैसा नहीं मिला है हमको। अच्छा, क्या है? हम लोगों को 9 मांगे पूरी होना चाहिए। हाँ, 9 सूत्री मांगे होनी चाहिए। कब से धरना पे हैं? 12 से, 12 तारीख। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। आशा आशा कार्यकर्ता है, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र समेली से है। हम लोगों की मांगे पूरी किया जाए। किस आज धरना प्रदर्शन किए हैं, कब से हो रहा है? धरना प्रदर्शन 12 जुलाई से हो रहा है। इसमें अभी तक सरकार कुछ नहीं सुन रहे हैं, सरकार काम में चल रहे शिकाल है। ऐसा ऐसा सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को। कोरोना काल में हम लोग उतना काम किए, धूप गर्मी सर्दी ठंडा बरसात, अब खाली पैर भी चलते थे, सब घर में पड़ा रहते थे कोरोना के डर से, अस्पताल में और हम लोग सबके लिए सैनिटाइजर मास्क ग्लव्स क्या दिए, एक तो ग्लव्स तक ना हुआ आशा के लिए। क्या आशा को बाल बच्चा नहीं है, पति नहीं है आशा को? कुछ आशा मर गया, कितना आशा मर गया, आशा को डर नहीं अपनी जिंदगी से? और किसी को आशा के लिए क्या उपलब्ध हुआ? कति इतना लाइए पेशेंट को, आज इतना है विशेष अभियान है, आज इतना पूरा करना है, घर घर जाके 2 बार 4 बार हम लोग करते थे, एक भी पैसा नहीं मिला कोरोना का। हम लोगों को पहले अगर तारीख का रिपोर्ट पहुँचा नहीं तो पीआरसी चकला आते थे पैदल। शिकागो पिज्जा टेस्टी डिलीशियस यम्मी, विजिट माई शॉप NH31 कुर्सेला ने बालाजी धर्मकांटा।